बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। आज का व्लॉग जो है ना, नमाज इशा पढ़ने के बाद जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी एक सिस्टर आई हैं हमसे मिलने के लिए। और वीडियो देख के माशाल्लाह उन्होंने हमें यहाँ पर ढूँढ लिया। अभी मैं नमाज इशा से पहले जो है उधर जमजम का पानी पी रहा था, तो उधर आवाज़ आई अहमद भाई, तो मैंने जब देखा तो एक सिस्टर आई है। अभी यहाँ पर बैठे काफ़ी सारी बहनें आई, भाई आए, तो ये देखें ये इतनी सारा सामान जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है जी। हाँ अच्छा, और यहाँ पे जो है ना सब बैठे हुए हैं, और इधर सबा बैठी हुई है। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। सबिया ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम हमारा यही होता है कि इशा की नमाज़ पढ़ के जो है ना हम फिर अपने होटल पर जो है वो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सीधे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई? आपको मबरूक हो उम्रा, और आपको ओडियन को सेल के लिए हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सारे को इधर लेकर आए जो हमको देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जरूर सब आएंगे ऐसा ऐसा ना, इंशाल्लाह अल्लाह उन सारे को नसीब फरमाए उम्रा और मक्का और मदीना। आमीन इंशाल्लाह ताला। चलेंगे अपने चैनल का नेम मेंशन। आई लव मक्का। आई लव मक्का, हाँ। माशाल्लाह इंग्लिश में लिखा हुआ है ना? हाँ, हाँ। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है हम यहाँ से हो रहे हैं जी रवाना, क्योंकि अभी टाइम जो है वो रात के बज रहे हैं जी 9। और ये जो है ना सामान आपने ये उठा लिया, पापड़ों का थैला। हाँ बेबो जानी, और उसके बाद जो है ना अम्मी जान ने एक थैला जो है अम्मी जान ने उठा लिया, और एक थैला इसने उठा लिया, और जाए नमाज वाला थैला किधर है? उसके पास तो दो थैले हैं ना। चलें जी, ये जो है डब्बे में डाल के आएगा, ये मुझे भी अपना बेटा उठाया। अच्छा, ये तो मेरी जान है, मैं तो इसे उठाऊंगा ही उठाऊंगा ना। ठीक हो गया, आ जाओ शहजादे मेरे पास। क्या हुआ? सोने का टाइम है। अभी जी हम वापस जा रहे हैं जी अपने होटल की तरफ, अभी इशा पढ़ के सब निकले हैं ना, तो ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है। आप देख सकते हैं टोटल ट्रैफिक जो है ना वो ब्लॉक खड़ी हुई है। ये देखिए सारी टैक्सियाँ, कारें, इधर से बस भी आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बस, बसें बहुत प्यारी हैं इधर की। और हमने सफ़र भी किया, ऐसे लगता है जैसे बेड सोफे पे बैठे हुए हैं। चलो वो पहुंच गए हैं। सबा क्या है यार आपको? मुझे कुछ नहीं है, इसको है। थकान हो जाती है आपको 5 मिनट के सफर में? यार मुझे कुछ नहीं है, इसे है। तो उठा लो इसे, गोदी में उठा के भाग जाओ। हाँ। इतना बड़ा बस अब था? लग गया ना पता बड़ा है, सब देखो मसला कितना बड़ा है, टांगों में अड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे देखें VIP अरबी जूस, और इसके अंदर एक और डब्बे वाला जूस, और यहाँ पे माशाल्लाह जी देखें खजूरें कितनी स्वीट्स और प्यारी प्यारी हैं ये देखें। उसके बाद यहाँ पे ये दाने पड़े हैं जो हम डालते हैं रोज़। उसके बाद यहाँ पे रोटी रखी हुई है, यहाँ पे बिस्किट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन करें कोई हेल्प चाहिए तो। उसके बाद पानी की बोतलें, उसके बाद पापड़ का थैला, उसके बाद ये देखें चाय भी आ गई माशाल्लाह, और ये चिकन क्यूब आ गई। उसके अलावा ये मक्खन आ गया माशाल्लाह। क्या कर रहे हो? और ये देखे काली मिर्च आ गई माशाल्लाह। उसके बाद ये दूध है पैकिंग में, गिलास हैं, ये बच्चों की चीज़ें हैं माशाल्लाह। और इसमें जो ये वाली है ना, ये वाली तो मेरी फेवरेट है, अभी इसे फ्रिज में रख के इंशाल्लाह फिर पीता हूँ। दोपहर को इतना खाना खाया, इतना खाना खाया माशाल्लाह। अभी शाम के टाइम ना अम्मी ने कुछ खाया, ना अबू ने कुछ खाया, ना हसन ने कुछ खाया, ना सबा ने कुछ खाया, ना बेबो ने कुछ खाया, हम सब ने जो है ना वो कुछ नहीं खाया। मैं हूँ टकला खान, ये देखें। काफ़ी बहन भाई कहते थे अहमद भाई हम आपको गंजा देखना चाहते हैं, तो जी ये गंजा आपके सामने है। कैप भी पहन लेता हूँ, और कभी कभी अभी मतलब कैप पहनूँ ना तो फिर पसीना ऐसे आने लगता है ना, खोल दूँ तो फिर ठंडा ठंडा ये रहता है मेरा।
पीतल। सुबह सुबह जो है ना माशाल्लाह जमजम के पानी से अबू जान जो है ना मुंह निहार वाली गोली खाते होते हैं। अम्मी कौन सी शुगर वाली होती है? शुगर वाली सही। सुबह सुबह हुआ खाते हैं ना खाली पेट में। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग का टाइम है सुबह का और नमाज़े फजर जो है वो अदा करके अभी अभी वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। तो आज जो है ना हमारा लास्ट डे है यहाँ मक्का में और आज बहुत ज़्यादा अहम दिन है। आज है नमाज़े जुम्मा हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पर अदा करेंगे। तो आज फ्राइडे है यहाँ पे और इंशाल्लाह आज मतलब हमारे पास दिन भी है और हमारे पास रात भी है। तो उसके बाद सुबह सुबह शायद या रात के किसी टाइम भी कह सकते हैं, तो अभी टाइम का कोई पता नहीं, लेकिन ये पता है कि हफ्ते वाला दिन इंशाल्लाह ताला हमने मदीने शरीफ में होना है। बेबो जानी जो है ना वो रात यहाँ से गिरने वाला था, इस वजह से जो है ना मैं इधर सोया था इस ये तकिया रख के, तो बेबो जानी जो है ना यहाँ पे सो गया था माशाल्लाह। और सबा जी जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह नसीब वाले हैं कि आज माशाल्लाह जुम्मा नमाज जो है ना वो इंशाल्लाह इधर मक्के में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारा हसन जानी गोलू मोलू अभी तक जो है ना सो रहा है और बड़े सुकून से, एक बाजू इस साइड पे एक बाजू इस साइड पे माशाल्लाह खुला डुला जैसे इंसान सोता है ना टेंशन फ्री। पहले घर होता था ना तो काफ़ी टेंशन लेता था, लेकिन यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह कोई टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल सुकून से सोता है ऐसे ना। बिल्कुल ऐसा। हाँ जी। और अभी रात भर नहीं उठा, अभी इधर अब्बू जान बैठे हैं अम्मी जान बैठे हैं, तो अभी नाश्ते का टाइम है। तो अज़र भाई हमारे पास नाश्ता वगैरह तो सारा पड़ा हुआ है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वो खाते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी अम्मी अब्बू के लिए जो है ना वो कोई फ्रेश नाश्ता जो है लेकर आते हैं। आप नाश्ता कर लें खाली पेट जो है ना। हाँ बीपी लो हो जाएगा फिर मसला बंद। थोड़ा बहुत जितनी अभी मुझे ना नाश्ते की भूख लगी हुई है, रात को मैंने ना दो पीस भी खा गया साथ में वो दो चपोतियां भी खा गया। खाओ। हाँ जी खाओ। अच्छा आप बिल्कुल तलब नहीं है नहीं। अच्छा पक्की गाल है। हाँ पक्की गाल। चलो ठीक है। आपका नाश्ते का मूड है सुबह नहीं? नहीं इसका भी नहीं है तो अजर हाँ फ्रेश नाश्ता करना, फ्रेश मिल जाएगा चंगा होता है बेहतरीन। हाँ नहीं तो अंडे अंडे प्याज भी होते हैं, अंडे प्याज के साथ करना सबा, तेरा बीपी ना हाई हो जाए फिर। तो फिर क्या सबा ले आए फ्रेश, पता है क्या है बात बेबो उठ जाए फिर बाद में। अच्छा चले आपको पता है अंडे का फैन बेबो है ज्यादा। सही बात है। क्योंकि आज ना नमाज़े जुम्मा है ना तो हमें जो है ना तकरीबन 8 बजे जो है ना वो हरम में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है ना मतलब नमाज जुम्मा तो जब होना है होना है, लेकिन 8 बजे 7 बजे हर बंदा पहुंच रहा है कि हम जल्दी पहुंच गए, क्योंकि 9 बजे जो है ना उन्होंने सारा बंद कर देना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाम होनी है ना इतनी ज़्यादा यहाँ, तो मतलब जहाँ भी हमारी नज़र जाएगी सड़कों पर होटल पर रोड पर इधर उधर जहाँ पे भी सब जो है ना जमात बना के बैठे हुए होंगे नमाज जुम्मा के इंतज़ार के लिए। जैसे ही अजहर भाई को भूख लगी इसने फ्रिज खोली यहाँ से चीज़ें निकालना शुरू कर दी और ये सारी चीज़ें बाहर निकाल के ना अभी हम जा रहे हैं गर्म करवाने के लिए। उसके बाद सबा के हाथ में जो है ना ये देखे चरगा है सुबह सुबह।
ऐसे ही खा रही हो बिल्कुल रूखा। हाँ। साथ में वो रोटी दे दूं चपाती वाली? नहीं। अच्छा। रोटी, रोटी बेहतरीन। अच्छा पहले पहले निवाले या दो निवाले पे वो होता है कुछ, फिर बाद में ना ऐसे लगता है जैसे घर की रोटी खा रहे। रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ सबा। नहीं नहीं बस यही है। चल तेरी मर्जी, थोड़ा सा जोर जबरदस्ती तो नहीं से कर सकते ना। बाकी यहाँ पे जी हमारे पास ये वाला सब, ये वाला जर भी रहने दो, ये खादा हुआ है ना, ये वाला मैं कहता हूँ रहने दो। बस बिरयानी ले चलो खाली, बिरयानी गर्म करवाते हैं। दरवाज़ा ओपन हो गया जी, अभी हम बाहर जो है वो जा रहे हैं नाश्ता गर्म करवाने के लिए। अभी यहाँ पे जो है इंशाल्लाह लिफ्ट पे हम आ चुके हैं, तो अभी लिफ्ट यहाँ पे रुकनी है। रुक रुक रुक, तीन पे रुक जाना। ओए होए चले गई, चले इधर देख वापस आ रही है। ये वाली भी आ गई है, नीचे जा रही है। ये वाली आ गई, नंबर ले गई है। ये दो पे अभी खड़ी हुई है, अभी तीन पे ये हमें उठाएगी इंशाल्लाह। नहीं वही हमने तो नीचे जाना है ना, ये दो आ रही है ना, अभी ये तीन नंबर दे के हमें लेके नीचे चली जाएगी। दो आ रही है, अभी एक नंबर आएगा यहाँ पे। हाँ ये बात भी है। चले ये वाली तो आएगी ना, ये वाली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। कभी इस लिफ्ट में हमने जो है ना ये नंबर होते हैं हर किसी के, जो दबाता है उधर पहुंचाते हैं। हमने दबाया नीचे, नीचे वाला भी हमने नीचे उतरना है। ये है जी एफ। मस्जिद में जाना हो तो एम ओ दबा दो, रेस्टोरेंट पे जाना हो तो ये आर दबा दो। किधर खड़ा है आर? ये हाँ ये वाला। इसमें रेस्टोरेंट भी है? हाँ रेस्टोरेंट भी है। तो शायद उसमें ओवर हो, पता है? हाँ रेस्टोरेंट पे पता कर ले, रेस्टोरेंट भी है ना। अब तो नीचे ग्राउंड पे आ गए। चलो अब नीचे उतरो, उधर नाश्ता भी तो लेना है, नाश्ता लेके फिर चले जाते हैं। चलो अभी हम जो है ना नीचे आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे बाहर, और बाहर से इंशाल्लाह ताला वन टू ऑल जहाँ भी नज़र दौड़ाए ना होटल ही होटल होते हैं। यहाँ पे न्यू न्यू हाजी आए हुए हैं उमरा करने के लिए, और यहाँ पे देखें इधर भी होटल, इधर सारी लाइनों में ना होटल ही होटल है। आलू वाला पराठा वीआईपी पराठा ले लो, जिसने खाना है जल्दी से खा लो। आपने खाना है आज साहब? मैंने दो का ऑर्डर दे रखा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आलू वाला पराठा, चना है, पाया है, हलवा है, पका हुआ चाय है साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नहीं समझ आती, ऐसा ऐसा सीखेंगे। ये शक्कर का है, सिंधी है, मैं मुल्तान का सराइकी हूँ, वो सराइकी, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, आप क्या कहेंगे? असर रहीम यार खान तो सराइकी। तंदूर में जो है वो रोटियां लग रही है माशाल्लाह, जान झंबी हम दे काम को। और हम मैंने ना ये मिर्ची ली है, कि ये फरमाइश थी कि मिर्ची लेके आना है, क्योंकि खाने हैं इधर होते हैं फीके फीके, तो फिर मज़ा नहीं करते ना, इस वजह से मिर्ची थोड़ी थोड़ी डाल के ना हम खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता वगैरह जो है वो ले लिया है, अंडे प्याज जो है वो लिए हैं, सबा के भी फेवरेट हैं और बेबो जानी के भी फेवरेट हैं, ये ले कर अभी जा रहे हैं। और जो हमारी बिरयानी है ना वो हमारी गर्म नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी होटलों के पास ना ओवन वगैरह नहीं है, किसी एक के पास है तो उसके पास रश लगा हुआ, वो कहता है यार मैंने ना ये गरम करके नहीं देनी। तो हमने कहा चलें जी आपकी मर्ज़ी, हम तो वैसे मेहमान हैं आपके चंद दिन के, कोई बात नहीं आप हमारे साथ ताबुन नहीं करते दोस्तों। तो चले अभी होटल सामने है इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हसन जानी सुबह सुबह नहाया है, सोने सोने कपड़े पहनोगे सोने। तो अभी जी सब जो है वो रेडी हुए, अब्बू जान भी, और उधर क्योंकि हमने नाश्ता जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, अभी लास्ट बेबो जानी जो है ना वो नाश्ता कर रहे हैं। बेबो जानी को भी नहलाओगी? अगर नहाएगा तो नहला दूंगी। हाँ बेबो को भी धमा देना, बेबो धमसो ना, धांत सोने कपड़े पैसो। हाँ धांत है, ये धांत है ना सोने कपड़े पुआरे। ये हसन जानी को ब्लैक सूट पहना रही हो? अच्छा चलो पहना दो, सफेद है तो वो पहना दो, बच्चे हैं सब वो माल दे। अच्छा चलो तेरी मर्जी। हाँ बेबो कहता है मुझे भी इस तरह से पहना देना। इस तरह के मैले हुए पड़े हैं। हसन माशाल्लाह रेडी हो चुके हो?
ओए होए सदके जावा सोने शहजादे। माशाल्लाह जी हसन जानी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अभी चले नमाज जुमा पढ़ने के लिए। माशाल्लाह कतर नहीं कतर नहीं, वो जैसे आदत होती है ना कोई भी चीज करते हैं कतर नहीं। अच्छा पढ़ने चले। तो आपको भूख लग गई? हाँ जी, सुबह मैंने थोड़ा सी खाई थी, आधी रोटी से भी कम। सही है। तो और आज जो है एक सिस्टर हैं, उनकी मगरिब नमाज के बाद फिर दावत भी है उनके घर पे, तो मगरिब नमाज के बाद वो आएंगे हमें लेने के लिए। और उधर जो है हम आज इंशाल्लाह ताला शाम का हमारा जो खाना है वो उनके पास है, तो इंशाल्लाह ताला अभी नमाज जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज असर, उसके बाद नमाज मगरिब, और नमाज मगरिब के बाद इंशाल्लाह वो हमें ले जाएंगे और नमाज इशा जो है हम उधर पढ़ेंगे। और बेबो जानी अभी सो रहा है, बेबो जानी को उठाता हूँ कि उठो बेटा, क्योंकि ये रेडी तो हो गया था बिल्कुल, तो तकरीबन 8 बजे रेडी हो गया था, तो फिर इसने काम हमने सुला दिया कि इसकी नींद पूरी हो जाए फिर इंशाल्लाह यहाँ से चलेंगे। बेबो 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 उठो बेटा, उठो चले, उठो आ जाओ चले मेरा सोना शहजादा पुत, आ जाओ। तो जी अभी जो है हम नमाज जुम्मा अदा करने के लिए सब रेडी हो चुके हैं, अज़र भाई अम्मी अब्बू वो पहले चले गए हैं और अभी जो है हम रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आ जाओ बेबो जानी ने उठा, माशाल्लाह वजू बनाया, हाथ मुँह धोया और सबा भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। बाकी हसन जानी तो आपके सामने खड़ा है माशाल्लाह, बिल्कुल रेडी भी है और हैप्पी भी है, ऐसे ना ए सोने शर्मा रहे हो सोने। ये ले चले कबूतरों, हाँ ये कबूतरों को डालने के लिए, हाँ उधर शापर में ही डाल लो। ये पर्स में हसन जाने की क्या वो है पैंपर वगैरह कपड़े, ये पर्स भी लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ। चलो बेबो से जुमा की अजान जो है ना वो हो चुकी है और अभी हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और अभी दोपहर का टाइम है ना, धूप भी है और गर्मी भी है, गर्मी भी है क्योंकि फुल धूप निकली हुई है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जुमा जो है वो अदा कर ली है, और अभी यहाँ पे देखें माशाल्लाह शहजादे जो हैं इधर हाथ लगा रहे हैं, चूम रहे हैं माशाल्लाह, और बेबो जानी जो है उसने रोटी खा रहा था वो अभी मेरे ख्याल में खा के फुल हो चुका है। तो अभी नमाज जुम्मा अदा की है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नमाज मगरिब तक यहाँ पे हैं, इंशाल्लाह इबादत करते रहेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे और नमाज मगरिब अदा करके फिर हम चले जाएंगे सिस्टर के घर, उसके बाद फिर इशा जी की नमाज जो है वो फिर पढ़ेंगे। जी प्यारे बहन भाइयों, आज जो है ना हमारा ये लास्ट दिन था फ्राइडे का यहाँ पे, और आज रात सोएंगे तो सुबह जो है हमने चले जाना है मदीने, और मक्का से मदीने का जो सफ़र है वो 5 घंटे लगते हैं, अगर अच्छी सर्विस हो तो 4.5 भी लग सकते हैं, 4.25 भी, अगर हल्की हो तो 5.5 घंटे भी लग सकते हैं 5 की बजाय, 6 घंटे लगते हैं। अच्छा अब देखें क्या होता है। तो इंशाअल्लाह ताला बसें तो यहाँ पे कोई भी हल्की नहीं होती, सब बसें जो है वो न्यू और अच्छी होती हैं, तो बंदा अंदाज़ा यही लगा ले
कि मक्का और मदीने का जो सफ़र है ना वो 5 घंटे का है। मदीने से अगर मक्का आएंगे तो 5 घंटे, मक्के से मदीने जाएंगे तो 5 घंटे। तो अभी सुबह हमारी रवानगी है इंशाल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जब हम पहली बार देखेंगे, हमारी आंखें जो हैं वो पहली बार जब देखेंगी तो बस मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बोल नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा हमें खुशी होगी। और हम सबके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक सबको जो है अपने दर पे बुलाए। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बाय बाय जी।